मनी माजरा तो अगवा हुए बच्चे नू देर रात खरड़ तो बरामद कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी गल करदे हां साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, की जानकारी है, किस तरह बच्चे दा पता चलिया है? जी बिल्कुल कुमिता, जिस तरह से बच्चे की जो है 1 साल का बच्चा जीवन नाम का जो नेपाली मूल का जो है बच्चा, वो 1 तारीख को देर शाम जो है वो शिवालिक पार्क, जो मनी माजरा चंडीगढ़ के मनी माजरा के शिवालिक पार्क से जो है वो उसका अपहरण हो गया था और उसका 2 दिन तक कुछ भी नहीं पता चला था। हालांकि पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। जो 7 वर्ष उसका भाई था जो उसके साथ खेल रहा था, उसे भी पूछताछ की थी तो उसने भी पूछताछ में यही बताया था कि 2 औरतें जिन्होंने उनको चॉकलेट देने के बहाने जो है पैसे दिए और उसको वहां से लेकर जो है वो अपहरण करके जो है फरार हुई है। लेकिन पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। 2 दिन तक काफी वहां पे आस पड़ोस में जो है लोगों को राउंड अप करके वहां पे पूछताछ की गई। आसपास के इलाके में जो है देर रात तक जो है वो ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे का कुछ नहीं पता चल पाया था। लेकिन कल देर रात जो है खरड़ में जो है ये बच्चा पाया गया है। एक ऑटो में बैठकर ये बच्चा रो रहा था। जब ऑटो वाले ने जब ये आकर देखा यहाँ पर तो बच्चा रो रहा था, उसने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने जब मौके पर पहुंच के उस बच्चे को जो है लिया और वहां से SHO के थ्रू जो है चंडीगढ़ पुलिस से जो है संपर्क किया गया तो पता चला कि यही वो बच्चा है जो 2 दिन पहले जो है मनी माजरा के शिवालिक जो है वो पार्क से गुम हुआ था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर उनको परिवार वालों को जो है एक बड़ी राहत दी है, उनका बच्चा जो है उनको वापस दिया है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आई है सामने कि अभी तक कोई भी जो है पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कौन जो है वो लेडीज थी, कौन जो है इनको अगवा, उनका क्या इरादा क्या था। क्योंकि अगर बच्चे का जिस तरह से मिलना ऑटो में देर रात जो है वहाँ पे खरड़ में, पंजाब के जो खरड़ में मिलना, उस तरह से काफी जो है सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था। क्योंकि जिस तरह से हमारी उनके परिवार के जो नेपाली मूल का परिवार है जो मनी माजरा में काफी समय से रह रहा है और गरीब तबके का जो परिवार है उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था ऐसा जो है उनका परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, आसपास के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन वो औरतें आखिर कौन थी और क्या उनका मकसद था, ये अभी तक पुलिस ने जो है वो नहीं समझ पाई है। लेकिन पुलिस ने जो है जिस तरह से स्केच भी जो जारी करने के आदेश दिए हैं और स्केच भी जारी किए जा रहे हैं कि जो औरतें, क्योंकि संदिग्ध औरतें वो वहां पे जिस तरह से शिवालिक पार्क में बात करें, क्योंकि आसपास के लोगों ने जिस तरह से बच्चे ने जो हुलिया बताया है, जिस तरह का हुलिया बताया है वहां से ये कन्फर्म हो पाया कि अभी तक उस तरह की जो औरतें हैं वो आसपास के इलाके में नहीं रहती हैं। तो हालांकि बिल्कुल ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो बाहर से जो है कोई जो है यहाँ पे घटना को अंजाम देने के लिए जो औरतें आई थी, लेकिन अभी तक पुलिस जो है उन तक नहीं पहुंच पाई है, जो आरोपी है उन तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि एक बड़ी राहत ये है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल सही सलामत है और उनके माँ बाप को जो है वो सौंप दिया गया है। जी मनोज, इस पूरी जानकारी लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कि मनी माजरा तो अगवा हुए बच्चे नू देर रात खरड़ तो बरामद कर लिया गया है। हालांकि बच्चे नू अगवा करन वाले वाले बारे कुछ भी अब तक पता नहीं लग सकया है, पर पुलिस ने बच्चे नू उसके परिवार के हवाले कर दिता है। हालांकि बच्चे नू अगवा करन दा मंतव अते बच्चे नू अगवा करन वाले बारे अजे कुछ भी पता नहीं लग सकया है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।